नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में एनआईआई सर्किल के पास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में शामिल एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में तैनात एक गाड़ी एक अन्य गाड़ी को बचाने के चक्कर में पलट गई, जिससे उसमें सवार जवान घायल हो गए। मुख्यमंत्री खुद घायलों को महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेकर आए। जानकारी के अनुसार सीएम के काफिले की एक गाड़ी एक वाहन को बचाने के चक्कर में एक अन्य चौपहिया वाहन से भिड़ गई। इससे गाड़ी में मौजूद कर्मियों को मामूली चोटें आईं और साथ ही दूसरी गाड़ी में सवार चालक को भी गंभीर चोटें आईं, जिसमें सीएम खुद महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे और घायलों के इलाज के निर्देश दिए। राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत तीसरे दिन सरकार ने लघु उद्योगों के लिए 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट का ऐलान किया। बुधवार को समिट की सूक्ष्म लघु और मीडियम इंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरी शक्ति लगाएंगे। सीएम ने कहा कि एक साल बाद आज ही के दिन 11 दिसंबर को हम जनता को बताएंगे कि हमने जो एमओयू किए हैं उनमें से कितने धरातल पर उतरे हैं। और वहीं राजस्थान ग्लोबल समिट 2026 होगी, उसमें हम 2 साल में हुए कामों का लेखा जोखा देंगे। समिट के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। समिट में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि पॉलिसी में कहीं ना कहीं इफ नो बट लगे हुए हैं, उन्हें हटाना चाहिए। पाली में एक बैंक में चोर घुस गए। बैंक में रखे कैश वॉल्ट की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिले। सुबह जब बैंक मैनेजर को घटना की जानकारी मिली तो थाने में रिपोर्ट दी और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुमेरपुर के यूको बैंक की ब्रांच मैनेजर भावना ने 9 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि 8 दिसंबर की रात को चोरों ने बैंक में चोरी का प्रयास किया। बैंक खोला तो अंदर घुसते ही पासबुक प्रिंटर मशीन खुली हुई मिली। राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के काफिले को ओवरटेक करने के मामले में जयपुर बगरू थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कार में 5 लोग सवार थे, इनमें एक नाबालिग है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि चारों बगरू थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि रील बनाने के लिए ये बार बार ओवरटेक कर रहे थे। नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी जयपुर से अजमेर जा रहे थे। इस दौरान 5 लोगों ने एक i20 कार पर स्पीकर की गाड़ी को अजमेर रोड से पीछा कर रही गाड़ी का पीछा करते हुए वीडियो बनाने लगे। श्रीगंगानगर में गगनपथ पर बीसीए के सामने आज बुधवार सुबह 2 युवकों पर कई लोगों ने हमला कर दिया। इनमें से एक युवक भागने में सफल हो गया और करीब आधा दर्जन युवकों ने इनमें से एक युवक को पकड़कर नीचे गिरा दिया। उस पर हथौड़े और लोहे की रॉड से हमला किया। युवक बचाव के पास से यूनियन बैंक शाखा में घुसने लगा, लेकिन उसे बाहर खींचे युवकों ने पीटना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक एक कार में आए थे और इनमें से एक का नाम अवतार सिंह बताया जा रहा है। हमलावर जब अवतार सिंह को पीट रहे थे तब बचाव में कोई नहीं आया। घटनास्थल पर तमीशबीनों की भीड़ जमा रही और काफी समय के बाद पुलिस पहुंची, तब तक हमलावर भाग चुके थे। डूंगरपुर के दोड़ा क्षेत्र में सिदरी गांव के पास बाइक सवार फाइनेंस कर्मियों से मारपीट करके लूटपाट की वारदात हुई। बोलेनो कार में आए बदमाशों ने 48 शेयर से बैग का भरा हुआ बैग, खाली बैग पराला पुलिया के पास मिला। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सिदरी गांव में मंगलवार को लूटपाट की वारदात हुई, जिसमें सीताराम जाट ने जिला भरतपुर से रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इसमें बताया कि वह जूजन फाइनेंस लिमिटेड में काम करता है। डूंगरपुर में हॉस्पिटल रोड पर ऑफिस है और इसकी कंपनी महिला स्वयं सहायता समूहों को लोन पर रुपए देने का कार्य करती है। वे लोन की राशि को किश्तों में रिकवरी करने का कार्य करती हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर रेल मंडल के कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरती जा रही है। रेलवे ने अब रोड मोबाइल वाहन सेवा शुरू कर दी है, जिसके तहत घर पर पहुंचकर एक ही कर्मचारी का हेल्थ चेकअप होगा और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ के निर्देश पर बीकानेर रेल मंडल पर रोड मोबाइल वाहन के नाम पर मंडल के स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण से दूरस्थ क्षेत्रों के रेल कर्मियों को उनके आवास और नजदीकी स्टेशन पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती द्वारा सोहनसेन स्मृति कौशल विकास केंद्र बनाया गया है। इसका लोकार्पण करने के लिए उपराष्ट्रपति जयपुर पहुंचे। इस कार्यक्रम में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉ कृष्ण गोपाल, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कौशल विकास केंद्र में पौधारोपण किया।
लघु उद्योग भारती द्वारा 1.25 लाख स्क्वेयर फीट क्षेत्र में बहुमंजिला केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां प्रदेश के युवाओं को फैशन, हैंडीक्राफ्ट, डिजिटल स्किल के साथ ही स्टार्टअप को विकसित करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अलवर शिक्षा विभाग की ओर से किए गए समायोजन में गड़बड़ी मिलने पर अलवर जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल उनका मुख्यालय बीकानेर किया गया है। 21 दिन पहले महिला टीचर ने भी एक अन्य शिक्षक पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में महिला टीचर का आरोप था कि आरोपी ने जिला शिक्षा अधिकारी की शह पर रेप किया था। रेप के मामले में डीईओ पर सीधा आरोप नहीं था। 20 नवंबर को महिला टीचर ने सरकारी टीचर गौतम यादव के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। कोटा जिले की खतोरी थाना पुलिस में ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रूपों को चार गुना करने का झांसा देकर तंत्र मंत्र विद्या में उलझाकर लोगों से ठगी करता था। इटावा शिवम जोशी ने बताया कि 2024 को फरियादी जितेंद्र शर्मा निवासी बदोड़ ने रिपोर्ट में बताया कि खतोरी निवासी महावीर बैरागी उर्फ बाबा जादू टोना करके चांदी की ईंट, सिक्के और 500 रुपए के नोट को चार गुना करके दिखाता है। आरोपी ने जितेंद्र से 5 लाख और देवकी नंदन से 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। दोनों आरोपी से रुपए मांगने गए तो आरोपी ने रुपए नहीं लुटाए और उल्टा मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अजमेर जिले की नसीदाबाद सदर थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी से धोखाधड़ी व गबन के आरोपी अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों के वाहन फर्जी रूप से कंपनी में लगा हुआ दिखाकर बाड़े के रूप में अकाउंटेंट में 15 लाख रुपए रकम ट्रांसफर करवा ली थी। करीब 7 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नसीराबाद सदर थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि आरोपी ग्राम जाटिया निवासी अजीत सिंह रावत पुत्र मनोहर सिंह रावत को गिरफ्तार किया। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। सरकार की ओर से दी जाने वाली साइकिल का इंतजार कर रही हजारों बेटियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। डूंगरपुर जिले में इस शैक्षणिक वर्ष में 11,000 से ज्यादा बालिकाओं को भगवा रंग की साइकिल का वितरण होगा। और वहीं सरकार ने एक साल पूरा होने पर 12 दिसंबर को 3,000 साइकिल बांटी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी रणछोड़ लाल डामोर ने बताया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व स्कूलों से ज्यादा दूनी होने के कारण परेशानियों के चलते बालिकाओं को बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत 2024-25 में डूंगरपुर जिले में 11,113 बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया जाएगा। बिजली निगम के निजीकरण के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हनुमानगढ़ में विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बुधवार को धरना दिया। अधिकारियों कर्मचारियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष ठेका प्रथा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी रामरतन चौधरी ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश स्तर पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया गया। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए बुधवार को पशुओं से भरे 3 ट्रकों को जब्त करके 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। धौरपुर पुलिस की पशु क्रूरता को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए बुधवार को पशुओं से भरे 3 ट्रकों को जब्त किया। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम खटाना ने बताया कि मध्य प्रदेश से आगरा की ओर पशु तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।